अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके मुतालिक हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन है, द प्रेशर एट एग्जर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि वो प्रेशर जो किसी लिक्विड जो कि लिक्विड जो है वो एग्जर्ट करता है, उसके वेपर जो है वो एग्जर्ट करते हैं, अगर उनके ऊपर हम कोई कवर दे दें तो उस कवर पर जितना प्रेशर वो एग्जर्ट करेंगे वो उनका क्या होगा, वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू दैट लिक्विड। ठीक है जी। अच्छा, अगर ओपन सरफेस हो हमारे पास, कोई भी बर्तन हो, कोई भी टब हो, उसमें पानी है या कोई भी लिक्विड है, ओपन सरफेस है, ऊपर से खुला है, तो उसके वेपर जो है वो बगैर किसी रुकावट जो है वो एटमॉस्फेयर में जाते जाएंगे, उसका हिस्सा बनते जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर हम इसको एक बंद जार में या बर्तन में लेते हैं इस पानी को, तो पहले जो है वो थोड़े थोड़े वेपर उठते हैं, और अगर हम उनको टेम्परेचर देते हैं तो ऐसा ऐसा क्या होता जाता है, वेपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करके एस्केप होते जाते हैं उस सरफेस से, और ऐसा ऐसा आप देख रहे हैं कि उनकी जो मिकदार है या उनकी जो तादाद है वो ज़्यादा होती जा रही है। और इसी लम्हे ऊपर से चूँकि कवर है तो ठंडे होकर कुछ मालिक्यूल्स नीचे भी आ रहे हैं, कुछ वेपर जो है वो दोबारा पानी की शक्ल में तब्दील भी हो रहे हैं। तो अगर मज़ीद हम ज़्यादा टेम्परेचर करेंगे तो ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर प्रेशर जो है बनते जाएंगे, और उतने ही ज़्यादा जो है ऊपर से कंडेंस होते जाएंगे, कंडेंस होकर लिक्विड में दोबारा शामिल होते जाएंगे। तो ऐसी स्टेज जिस पर जो रेट ऑफ वेपराइजेशन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के, उसको हम क्या कहते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। द डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट व्हेन रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, कि जितने वेपर जो है वो वेपराइज हो रहे हैं यानी बुखारात में तब्दील हो रहे हैं, उतने ही जो है ऊपर से चूँकि कवर है तो उस कवर की वजह से जो है ठंडे होकर कंडेंस होकर नीचे पानी में दोबारा शामिल होते जा रहे हैं। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, लिक्विड जब वेपर में तब्दील होते हैं तो वेपराइज हो रहे हैं, दोबारा वेपर से कंडेंस हो रहे हैं। अच्छा जी, इसके हम फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, कि नौइयत क्या होती है किसी भी लिक्विड की। तो लिक्विड जो है वो मुख्तलिफ नेचर के होते हैं, मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं, पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। ठीक है जी। पोलर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कह दें कि अगर HCl जो है ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, या वाटर कह लें H2O। ठीक है जी। H2O यानी ये क्या है, पोलर, पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव। इसी तरह कुछ नॉन पोलर भी होते हैं, जिस तरह बेंजीन है C6H6, या अल्कोहल है हमारे पास, ठीक है जी, या कोई भी है एसीटोन है, ईथर है वगैरह, वो नॉन पोलर होते हैं। तो जो पोलर लिक्विड्स होते हैं चूंकि उनके दरमियान एटम्स के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मजबूत होती हैं, ठीक है जी, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसके मुकाबले में कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन दोनों का आपस में बाड जो है वो मजबूत है। ठीक है जी। लेकिन ये जो है C6H6, इनका बाड आपस में वीक है, या पेट्रोलियम की जो मसनूआत हैं वगैरह वगैरह। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर जो है उसका वेपर प्रेशर कम होता है, और जो नॉन पोलर होते हैं उनका वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा वेपराइज होते हैं, जिस तरह ईथर है, या अल्कोहल है, या स्पिरिट है वगैरह वगैरह। तो पोलर लिक्विड्स हैव लेस वेपर प्रेशर देन नॉन पोलर लिक्विड्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है जी। जिस तरह पानी है या HCl है, इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं क्योंकि पोलर है, पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, इस वजह से ये इतना ज़्यादा जो है वो जल्दी एवोपोरेट या वेपोराइज नहीं होते, जबकि जो नॉन पोलर होते हैं वो जल्दी जो है वो वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है जी। तो नेचर ऑफ लिक्विड जो है ये पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है हमारे पास साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम जानते हैं कि जो स्मॉलर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा वेपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। ठीक है जी। किससे, बिगर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स की नस्बत। ठीक है जी। उनका साइज़ बड़ा होता है, उनको जो है एवोपोरेट या वेपराइज होने के लिए टाइम चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूलर लिक्विड्स हैव हायर वेपर प्रेशर देन बिगर साइज़ मॉलिक्यूलर लिक्विड्स। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारे पास एक हेक्सेन है, हेक्सेन में देख रहे हैं 6 कार्बन है, यानी जो चेन होती है 1 2 3 4 6 कार्बन की होती है, जबकि डिकेन जो है उसमें 10 कार्बन होते हैं। तो जितना मॉलिक्यूलर मास
या साइज़ बढ़ता जाता है उतना उनका टेम्परेचर बढ़ता जाता है या उनका हम कह सकते हैं बॉयलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जितना छोटा मालिक्यूल होगा उतना जल्दी जो है वो वेपराइज होगा, एवोपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो साइज़ ऑफ मालिक्यूल दूसरा हो गया। तीसरा है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो हम जानते हैं कि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर होता है वेपर प्रेशर पर। हम पहले जानते हैं, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। के कोई भी मालिक्यूल्स हैं, चाहे सॉलिड्स के हैं, लिक्विड्स के हैं, गैसेस के हैं, वो क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो लिक्विड जो है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर 5 डिग्री पर है, पानी की मिसाल ले लेते हैं, 5 डिग्री पर है तो कोई एक आध वेपर जो है उससे बनेगा। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर लो है, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, 50 कर देंगे, तो उतने ही ज़्यादा मालिक्यूल जो है वो नीचे से टेम्परेचर जज़ब करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएंगे अबव देन एवरेज, और इस तरह एस्केप होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, सरफेस ऑफ लिक्विड से जो है वो एस्केप होते जाएंगे, उतना ज़्यादा उनका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसी तरह अगर 100 डिग्री पर हम जो है पानी को बॉयल करें या टेम्परेचर दें, तो उतना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर जज़ब करेंगे, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उनमें जो है इंक्रीज़ होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मालिक्यूल जो है सरफेस ऑफ लिक्विड को छोड़कर वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी की एक मिसाल है कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर मुख्तलिफ है, तो ये इसका सबूत है कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, इसका एक फैक्टर है। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर पानी का प्रेशर कितना है, 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इसी तरह टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 20 होता जाएगा, 7.40 जो है डिग्री पर, 55.3, इसी तरह 60, 80, 100 डिग्री पर आप देख रहे हैं कि 760 जो है मिलीमीटर ऑफ मर्करी या टॉर कह सकते हैं। तो इस तरह टेम्परेचर जो है एक सबसे बड़ा फैक्टर है वेपर प्रेशर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।